स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोकैड में इंसर्ट टैब के अंदर रेफरेंसेस ग्रुप को डिस्कस करेंगे और इसमें जो कमांड्स हमें अवेलेबल हैं उनको देखेंगे कि उनकी क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, वो क्या करती हैं। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंसेस, या इसको एक्सटर्नल रेफरेंसेस भी कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट दे दूं। एक्सटर्नल रेफरेंसेस में ऐसा होता है कि हम एक ड्राइंग के अंदर दूसरी ड्राइंग्स जो हैं वो एज ए रेफरेंस लेकर आते हैं। अब लेकर आने का फायदा क्या है एक ड्राइंग दूसरी के अंदर एज ए रेफरेंस, तो इसमें तीन चार चीजें बड़ी अहम हैं जो कि समझने वाली। एक तो ये मेरे पास तीन ड्राइंग सामने खुली हुई हैं जो कि एक्सटर्नल रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को वाजे करने के लिए ये मैंने यहाँ पे खोली हैं। ये तीनों फाइल्स मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, उसके अंदर ये पड़ी हुई, तो इन तीनों फाइलों को हम यूज करेंगे एक्सटर्नल रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो फाइल है ये फुल साइट प्लान है, यानी फर्ज करें ये पूरा साइट है और इसके अंदर मैं बिल्डिंग प्लान को और मॉस प्लान को, मॉस को इसके अंदर एडजस्ट करके देखूंगा कि ये कैसी दिखाई देती। तो मैं बजाय के इन फाइल्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ, मूव करूँ, मैं इसको एज ए एक्सटर्नल रेफरेंसेस इसमें लेके आऊंगा। अब मेरे तो कंप्यूटर में ये तीनों फाइल्स जो हैं वो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। एज ए रेफरेंस जब आप फाइल्स को यूज करेंगे एक फाइल के अंदर, तो वो क्या होगा, वो फाइल्स आपके एक कंप्यूटर पर पड़ी हो सकती हैं, आपके एक कमरे में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर भी पड़ी हो सकती हैं, और ये फाइल्स जो है अक्रॉस द कंटिनेंट, एक शहर में, एक मुल्क में या बड़े आजमों में कहीं पे लोग बैठे हुए हैं वो इन पे काम कर रहे हैं। फर्ज करें एक आदमी जो है वो पाकिस्तान में बैठा बिल्डिंग प्लान पे काम कर रहा है, एक आदमी जो है वो दुबई में बैठा मॉस पे काम कर रहा है, और तीसरा शख्स जो है वो किसी दूसरे मुल्क में बैठा फुल साइट प्लान पे काम कर रहा है। तो अब बजाय कि वो बिल्डिंग और मॉस की ड्राइंग्स को ला कर इसके अंदर फिट करे, ये थका देने वाला काम होगा। इसमें फुल साइट प्लान का साइज भी बड़ा हो जाएगा, मेमोरी भी ज्यादा यूज होगी। तो ऑटोडेस्क ने हमारे एक्सटर्नल रेफरेंसेस की एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप इस ड्राइंग के अंदर इन फाइल्स को एज अ एक्सटर्नल रेफरेंस यहाँ पे ले आए, जिसका फायदा ये होगा, एक तो इस फाइल का साइज बड़ा नहीं होगा, हमें ड्राइंग ट्रेसने में मदद मिल जाएगी, उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ड्राइंग्स पे, उनको हम आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं एज अ एक्सटर्नल रेफरेंस। अब इसका एक और फायदा ये होगा कि जब कभी बिल्डिंग प्लान में कोई तब्दीली आ जाती है, बिल्डिंग प्लान में कोई तब्दीली आ जाती है, तो अगर हमने इसको एज ए रेफरेंस यूज किया होगा तो हम आसानी के साथ वो तब्दीली इधर भी हमें नजर आ जाएगी। अब दूसरी सूरत में अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इस ड्राइंग के अंदर, तो फिर अगर बिल्डिंग प्लान तब्दील हो जाता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, तो वो दोबारा हमें कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। एक्सटर्नल रेफरेंसेस में हमने इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक कर देना, इसमें अगर कोई तब्दीली होगी जिसको हम एज ए रेफरेंस इसमें लेके आएंगे, तो इसमें भी वो तब्दीली जो है वो शो की जा सकती है आसानी के साथ। अब और फायदा इसका ये है कि आप नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं वो एज एक्सटर्नल रेफरेंसेस दूसरी फाइल्स में इस्तेमाल कर सकते, आप इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में भी एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अब हम ये रेफरेंस जो है एक्सटर्नल रेफरेंस ये प्रोसेस करके देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है होता कैसे है। इंसर्ट टैब के अंदर रेफरेंसेस टैब में आपने जाना है, जहाँ पे अटैच का एक बटन लगा होगा, इस बटन को आपने क्लिक कर, अब ये देखना है कि आपके सबसे पहले जो एक्टिव है मेन प्लान जिसके अंदर आप एज ए रेफरेंस लेके आने लगे वो आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए और हम अटैच कर। अब अटैच करते हैं, सबसे पहले हम बिल्डिंग प्लान अटैच करेंगे और डायलॉग बॉक्स खुल गया, इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास अटैच एक्सटर्नल रेफरेंस का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाए। ब्राउज के बटन से आप वो बिल्डिंग प्लान जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे कि वो आपके कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ा हो। उसके बाद आप यहाँ पे है स्केल, स्केल वो कहता है कि ये बिल्डिंग जो है मैं एज ए रेफरेंस इसमें लाने लगा हूँ, उसका स्केल क्या रखना है, कितनी बड़ी रखनी है, डबल करनी है, उसी स्केल में रखनी है, तो हम उसको कहते हैं कि ये वन स्केल में ही रहने दे। स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन भी पूछ सकते हैं कि जब आप रेफरेंस लगाने लगेंगे
तो वो पूछेगा इसका स्केल कितना रखा। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है पाथ टाइप, कि ये फाइल्स जो है पड़ी कहाँ। मैंने आपको बताया कि आप एक कमरे में कंप्यूटर नेटवर्क पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे फाइल्स पड़ी हो सकती हैं, उनको अटैच कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ मुल्कों में पड़ी हो सकती हैं, लोग काम कर रहे हैं बिल्डिंग प्लान पे, कोई मास्टर प्लान पे, कोई किसी और प्लान पे, तो आप इसको एज ए रेफरेंस यूज करने लगेंगे। तो पाथ विल टेक एन इम्पोर्टेंट रोल टू अटैच दीज एक्सटर्नल रेफरेंस। अब तीन किस्म के पाथ दिए हुए हैं। सबसे पहले तो है नो पाथ। नो पाथ का मतलब ये होता है कि जब आप ये सारी फाइल्स जो आपने एक्सटर्नल रेफरेंसेस के इस्तेमाल करनी है वो आपके लोकल कंप्यूटर पे एक ही फोल्डर में पड़ी हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे डेस्कटॉप पे ये एक्सटर्नल रेफरेंस का रेफरेंस फाइल का एक फोल्डर है, इसके अंदर ये पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे नो पाथ दूंगा अगर ये फाइल्स आपके अपने कंप्यूटर में किसी एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अब हम फुल पाथ की बात करते हैं कि फुल पाथ क्या है। फुल पाथ ये है कि आपने एक पाथ दे दिया अपनी फाइल को, कोई भी पाथ हो सकता है, तो जब कभी वो फाइल जो है किसी दूसरी लोकेशन में मूव कर रही है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो AutoCAD जो है वो उस पाथ को याद रखेगा और उसी जगह पे फाइल को सर्च करेगा, इसके अलावा कोई सर्च नहीं करेगा, उसे फुल पाथ दे देगा कि वहां पे ये फाइल पड़ी हुई है। अगर आपने वहां से मूव कर दी तो फिर भी AutoCAD जो है वो वहीं पे फाइल्स को देखेगा। इसमें ऐसा है दैट मींस दैट पाथ ऑफ योर एक्स रेफरेंस इज फिक्स्ड, सो दैट इफ यू मूव योर फाइल टू अनदर लोकेशन, ये फाइल ये जिसको आप एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं, AutoCAD still looks the previous location and will not be able to find them. अगर आप इसको मूव कर देते हैं तो AutoCAD जो है वो प्रीवियस लोकेशन को ही देखेगा, वो इस फाइल को जो है वो तलाश नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसका पाथ तब्दील कर दिया है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव पाथ। इसका मतलब यह है कि आपका जो रेफरेंस है वो फ्लोटिंग है, कभी फाइल कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जब कभी फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी किसी खास वजूहत की बिना पर, तो हम इसका जो पाथ है वो रीडिफाइन कर सकेंगे इस ऑप्शन में। रीडिफाइन दोबारा से डिफाइन कर लेंगे, जनाब ये फाइल जो है ये फलां जगह पर चली गई, अब ये फलां जगह पर चली गई। तो रिलेटिव पाथ मीन्स दैट द पाथ यूर X reference, external file reference is floating. So if you move your files to another location, या आप इसको कहीं और इसी और location पे भेज देते हैं, the files path will be redefined, दोबारा define किया जाएगा in the new location, नई location देकर। तो ये तीनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको नो पाथ रखते हैं और उसके बाद वो रोटेशन पूछेगा कि आपने ये रेफरेंस इसमें लाना है तो आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, हम नहीं रोटेट करना चाहते। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप रोटेशन एंगल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने एंगल दे देना कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एज ए रेफरेंस आ जाए और रोटेट होके इस साइट प्लान में ये नजर आ। अब उसके बाद इंसर्शन पॉइंट है कि आप इसको कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन पूछेंगे तो वो स्क्रीन पे स्पेसिफाई करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब आप इसको रेफरेंस ऐड कर रहे होंगे तो पूछ रहा है जी कहाँ पे इसको लगाना। तो हम इसको स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन नहीं करते बल्कि हम एक्स जीरो रखते हैं, वाई और जेड तीनों एक्सिस जीरो जीरो पे रख देते हैं, जीरो जीरो पर ये आए। अब रेफरेंस टाइप को जरा समझ लें, इसमें एक अटैचमेंट है और दूसरा ओवरले है। अगर तो हम अटैचमेंट यूज करते हैं तो ये जो फाइल है ये इसमें एज ए रेफरेंस आ जाएगी, लेकिन जब कभी इस फाइल को हम किसी दूसरी फाइल में एज ए रेफरेंस लेके जाएंगे, इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में, इसको हम एज ए रेफरेंस इसमें ला चुके हैं एज ए अटैचमेंट, तो जब हम इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में एज ए रेफरेंस लेके जाएंगे तो ये भी इसके साथ जाएगी एज अ पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग, यानी ये फुल साइट प्लान और बिल्डिंग प्लान दोनों जाएंगे अगर आप इसको अटैच करते हैं। और अगर आप इसको ओवरले करते हैं देन ये इसमें इंसर्ट हो जाएगी एंड विल नॉट कैरी थ्रू द नेक्स्ट ड्राइंग, और दूसरी ड्राइंग में वो नहीं जाएगी। मतलब अगर आप इसको ओवरले करके यहां पे आ जाएगी ये, लेकिन जब आप इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस लेके जाएंगे
तो ये जो बिल्डिंग प्लान है जो इसमें एज ए रेफरेंस आपने ओवरले करके रखा हुआ है वो उस ड्राइंग में नहीं जाएगा। तो हम अच्छी प्रैक्टिस जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप इसको एज ए ओवरले यूज करें। तो ये सारी ऑप्शंस हमने समझ ली हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, डिटेल्स में ये पाथ बताएगा और सेव पाथ उसका नाम बताएगा फाइल का। तो हम इसको अब ओके कर देते हैं। ओके जैसे ही आपने किया तो वो बिल्डिंग प्लान जो था वो यहाँ पे आ, ये ना कॉपी हुआ है, ये ना मूव हुआ है, ये असल में यही पड़ा है इसी फाइल में, ये यहाँ पे नजर आ रहा है सिर्फ एज ए रेफरेंस हमने यहाँ पे लगाया हुआ। अब इसी तरह आप मॉस को भी यहाँ पे एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। चले एक और मेथड देखते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एक्स आर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास एडिट जो रेफरेंस डायलॉग बॉक्स है या रेफरेंस पैलेट है वो खुल जाएगा। ये रेफरेंस पैलेट मैं एक दफा यहां से बंद कर देता हूं, यहां से भी खुल सकता है। अब इस रेफरेंस पैलेट के जरिए हम जो है वो एक और फाइल जो है ये इसके साथ एज एक्सटर्नल रेफरेंस अटैच करते हैं। यहां पे एक बटन बना हुआ है अटैच का, DWG इमेज, DWF, DGN और PDF, इन तमाम फॉर्मेट्स को आप ड्राइंग्स में अटैच कर सकते हैं। तो अटैच DWG करते हैं ड्राइंग फाइल, हमारे ये मॉस्क है इस सूरत इस दफा, और हम इसको ओपन कर देते हैं। ये मॉस्क ओपन हो गई है। अब वो स्केल है, हम कहते हैं स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन, उसमें हमने स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन नहीं पूछा था। यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट भी हम उसको कहते हैं स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन, और हम यहाँ पे ओवरले कर देते हैं, नो पाथ दे देते हैं। ओके हमने कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे वो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनाब इंसर्शन पॉइंट इसका कौन सा है, तो हम कोई पॉइंट यहाँ पे चुन लेते हैं। अब वो पूछ रहा है स्केल क्या है आपकी, हॉरिजॉन्टल एक्स स्केल क्या है, वॉइस स्केल क्या है, तो हम 1:1 ही रख लेते हैं कि जितनी है उतनी रहे, दो दफा एंटर कर देंगे। अब ये दो फाइल्स जो हैं यहां पे देखें, ये मेन प्लान है आपका और ये आपका जो है वो सब प्लान है, सॉरी ये आपके एक्सटर्नल रेफरेंसेस हैं जो कि आपने इस फाइल में जो है वो एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस लाए हुए हैं। हम एक दफा फाइल को सेव कर लेते हैं। अब जरा नोट करें आप यहां पे कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ये आपके रेफरेंस नेम है, यहाँ पे स्टेटस है, ये आपका फाइल साइज है, इज इट ओके, और ये टाइप है, ओवरले कौन से हैं और दूसरी कौन सी हैं, ये डेट क्रिएशन है, यहाँ पे दो बटन बने हुए हैं, एक लिस्ट व्यू का है, एक ट्री व्यू का है, ट्री व्यू इस तरह दिखाई देगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं, ये डिटेल्स जो हैं वो देख लें आप, स्टेटस ओपन है, साइज है, करंट है, डेट है, पाथ है, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब कुछ ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कसेबल हैं। बिल्डिंग एक वो फाइल है जो हम मैंने एज एक्सटर्नल रेफरेंस इसमें लेके आए हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि एक्सटर्नल रेफरेंसेस का फायदा क्या है। अगर जब कभी हम ये बिल्डिंग में लेट्स सपोज के ये तब्दीली कर देते हैं, ये तब्दीली कर दी, अब वो तब्दीली जो है वो आपके रेफरेंस में वो नहीं हुई, रेफरेंस में वो नहीं हुई, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये बिल्डिंग को जो है वो हमने यहां पे तब्दील कर दिया है और हम इस फाइल को जो है वो सेव कर देते हैं। ये फाइल सेव हो गई है लेकिन मेरे जो रेफरेंस्ड फाइल थी जिसके अंदर ये रेफरेंस में लेके आया था उसमें ये तब्दीली नहीं हुई। और यहाँ पे आपको एक कॉशन मिल गया है कि भाई दिस नीड द रीलोडिंग, नीड्स रीलोडिंग, कि आप इसको रीलोड करें ताकि इसकी जो अपडेट शक्ल है वो यहाँ पे आ सके, तो हम इसको राइट क्लिक करके रीलोड कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अनलोड भी है, आप इसको अनलोड भी कर लेते कर देंगे, ठीक है, अनलोड भी कर सकते हैं इसको, आप इसको रीलोड भी कर सकते हैं। अब इसी तरह हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं।
फर्ज करें ये मॉस्क है तो हम मॉस्क को अनलोड कर देते हैं, मॉस्क नजर नहीं आ रही, रेफरेंस पड़ा हुआ है, अभी ये सिर्फ अनलोड हुई है, नजर नहीं आ रही, तो जब हम इसको रीलोड कर देंगे तो ये हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, अगर आपने कोई और एक्सटर्नल रेफरेंस अटैच करना हो तो आप अटैच पे जाके यहाँ पे दोबारा वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसको यूज करते हुए आप कुछ और फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डिटैच की। डिटैच में असल में ये अटैच का जो है अपोजिट है डिटैच, यानी ये एक्सटेंडेड रेफरेंस को खत्म कर देगा। ये देखें ये खत्म कर, अब वो एक्सटेंडेड रेफरेंस फाइल नहीं रही, तो अब ये फाइल जो है वो अब एज ए रेफरेंस इसमें नहीं रहे। अब हम ये देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है बाइंड की, अब बाइंड को देखते हैं कि बाइंड क्या करता है। बाइंड में दो मजीद ऑप्शन है, एक बाइंड की है एक इंसर्ट की है, ये भी समझने वाली चीजें हैं। इनको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक दफा कैंसिल करता हूँ और इस फाइल का जो है वो मैं खोल लेता हूँ लेयर्स। अब मैं यहाँ पे एक DWG और खोल लेता हूँ, सॉरी बिल्डिंग की, और हम इसको ओके कर। अब हम समझेंगे कि ये बाइंड की ऑप्शन क्या है। बाइंड की ऑप्शन से पहले मैं आपको प्रॉपर्टी पैलेट पे लेके जाता हूँ, सॉरी लेयर्स पे। लेयर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो मेन प्लान फाइल है वो उसका लेयर मैनेजर खुला हुआ है और उसमें ये दो लेयर्स जो हैं ये आई हुई हैं एक्स्ट्रा, उसमें सिर्फ एक लेयर है लेयर जीरो। अब ये दो लेयर जब इसके दरमियान में यहाँ पे आपको एक पाइप साइन मिलेगा, ये जो छोटी सी लाइन लगी हुई है दरमियान में, तो ये हमें बता रही हैं कि ये लेयर्स जो हैं ये एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस इसमें आई हुई, एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस। अब ये एक्सटर्नल रेफरेंस है हमारे पास, बिल्डिंग है उसकी लेयर है, मॉस्क है उसकी लेयर है, तो ये ऑल लेयर्स देखेंगे तो ये एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस जो है वो इसमें आई हुई है। अब हम इसको बाइंड करके देखेंगे और इंसर्ट करके देखेंगे कि क्या होता है। जी, बाइंड और इंसर्ट के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब आप इस एक्सटर्नल रेफरेंस को बाइंड करेंगे तो ये ओरिजिनल फाइल जो है उसके साथ नथी हो जाएगा, कि ये जो एक्स रेफरेंस है ये एज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग बन जाएगा, अब वो एक्सटर्नल रेफरेंस नहीं रहेगा, एक्सटर्नल रेफरेंस नहीं रहेगा बल्कि एज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग बन जाएगा। कैसे देखेंगे, हम बाइंड करके देखते हैं और ओके करते हैं। आप जरा लेयर्स में देखिएगा, इस तरह आपके पास ये लेयर आ जाएगी मॉस्क जिसको हमने बाइंड किया, वो यहां पे नहीं रहा, आप देखें जरा यहां पे वो नहीं, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग नॉट द एक्सटर्नल रेफरेंस इफ यू बाइंड इट विद दिस फाइल। अब हम ये देखते हैं डॉलर साइन जीरो डॉलर साइन, ये इसकी निशानी। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं, वापस आ गया उसी स्टेट पे। अब हम इसको बाइंड नहीं बल्कि इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में क्या होगा कि ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा, इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग, इट विल बिहेव लाइक अ ब्लॉक, ये ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा, यानी पड़ा रहेगा वहां। ओके, यहां पे ये आ गया, ये एज ए ब्लॉक जो है इस ड्राइंग के अंदर ये आ चुका है। जी, ये इसके साथ अब बाइंड हो चुका है। तो ये दोनों ऑप्शंस हम देख चुके हैं, इंसर्ट और बाइंड की। अब हम इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर देते हैं। इसमें एक रिफ्रेश का बटन है कि जब कभी आपका जो ये रेफरेंस फाइल तब्दील हो जाए तो आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो वो उसकी अपडेटेड जो है वो इसमें नजर आएगी जो तब्दील की हुई होगी। अब हम इसको बंद कर देते हैं और इंसर्ट टैब के अंदर रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक फीडिंग की ऑप्शन है। ये जरा नोट करें कि वेन एवर यू इंसर्ट अ ब्लॉक यू वेन एवर यू इंसर्ट अ फाइल एज एक्सटर्नल रेफरेंस इस इट्स बाय डिफॉल्ट बिहेवियर विल बी फेड लाइक दिस
यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये इसका फेड बिहेवियर होगा, यानी थोड़ा सा डिम सा होगा, तो आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह ये था हमारा एक्सटर्नल रेफरेंस। अब हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। यहां पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट है, आप जो है वो इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। आप इसके साथ जो है वो जो इमेज फाइल्स है वो भी एज ए जो है वो एक्सटर्नल रेफरेंस अटैच कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए मैं ये कोई इमेज यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज के ये इमेज जो है ये मैंने खोला, ये उसी तरह अटैच इमेज का डायलॉग बॉक्स होगा, पाथ यही चीज़ है, स्केल है। अब हम इसको ओके करके यहाँ पे अटैच कर देते हैं। स्केल फैक्टर पूछ रहा है, हम कहते हैं उसी स्केल में इसमें है ये। अब ये इमेज जो है आपके जो है इस फाइल के साथ अटैच हो चुका है। आप एक्सटर्नल रेफरेंसेस के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो इस इमेज को ये जो तमाम चीज़ें जो आप एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं इसको अंडरलेज बोलते हैं। अंडरलेज ये सारे जो चीज़ें जो आप एक्सटर्नल रेफरेंस इस फाइल के अंदर लेके आएंगे। अभी इस फाइल की जो अपनी जो है ड्राइंग वो ये है, ये सारी नज़र आ रही है, इस फाइल का हिस्सा नहीं है। एज एक्सटर्नल रेफरेंस वो हम इसके अंदर लेके आए हुए। तो अब हम क्लिप के ऑप्शन यूज़ करेंगे। क्लिप में ये होगा कि आप जो है इसको जो है क्लिप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कमांड सेलेक्ट की उसके बाद इसको किया, अब यहाँ पे डिलीट भी है, ऑन भी है, न्यू बाउंड्री है। लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि ये इतनी सी फाइल चाहिए तो इतनी सी फाइल मेरे पास आ जाएगी। अब इसी तरह एडजस्ट है, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ये वापस अपनी शक्ल में आ गया। एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट जो क्या करेगा इसकी जो है वो, ये मैंने एडजस्ट की कमांड को सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब वो कंट्रास्ट, फेड, ब्राइटनेस, तीन चीज़ें जो है आपकी इसकी सेट कर सकते हैं। खास करके कंट्रास्ट है तो हम इसका लेवल देंगे, हम इसको 70 कर देते हैं कंट्रास्ट, और एंटर करते हैं तो ये इसका कंट्रास्ट बढ़ गया। अब इसी तरह डिस्प्ले प्लॉट फ्रेम है, ये इसके इर्द गिर्द एक फ्रेम नज़र आ रहा है, इसको आपने जो है वो हाइड करना है। ये देखिए अब फ्रेम नहीं रहा इसके साथ, ठीक है, इसके फ्रेम्स को आपने डिस्प्ले करना है तो फ्रेम इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह स्नैप टू अंडरलाइन के आप जो है ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं ऑन करके, फिर जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसके ऑब्जेक्ट स्नैप्स जो हैं वो उनको लेना शुरू कर देगा। तो ये था स्टूडेंट्स रेफरेंसेस। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट को फिर मैं दोहराए चलता हूँ कि एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल्स डिस्प्ले कराना एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ कम रहता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे होते हैं और आप उनकी फाइल्स को एज ए रेफरेंस जो है एक मेन फाइल में यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। मेमोरी प्रॉब्लम भी नहीं रहता और आपकी फाइल जो है आपका काम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाता है।